पाइनएप्पल जूस बनाने के लिए हमने पाइनएप्पल को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके अंदर का जो ये हार्ड पार्ट है इसे नहीं लेना है, सिर्फ ये इनको कट करना है, बारीक बारीक चॉप करके रख लेना है। अब एक पैन गरम करना है और उसमें एक ग्लास पानी डाल देना है। एक ग्लास पानी में ये जो चाय का कप होता है ये एक कप छोटा वाला इतनी शक्कर डालना है। ये एक कप शक्कर इसमें हम डाल देंगे और इसमें ये कलर, इसमें ये फूड कलर जाएगा, इसमें ये केसरी रंग का फूड कलर जाएगा और कोई भी अच्छी ब्रांड का पाइनएप्पल एसेंस जाएगा। शुगर डिसॉल्व करना है। अब ये बॉईल आ गया है, अभी थोड़ा पानी हमें सुखाना है इसका। कम से कम एक तार की चाशनी इसकी बनानी है। अभी गैस थोड़ा स्लो कर देना है हमें, चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और पाइनएप्पल एसेंस के 5-6 ड्रॉप्स हमें डाल देने हैं। और थोड़ा सी फूड कलर हमें के अब इसमें हम पाइनएप्पल डालेंगे चंक्स और इसे पानी मिला के ठंडा करके सर्व करेंगे। अब ये थोड़ा हमारा शुगर सिरप जो वो ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें पाइनएप्पल डालेंगे चंक्स। अभी शुगर सिरप थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें पाइनएप्पल चंक्स जो है वो मिला देंगे। अब हम इसमें ये एक ग्लास भर के पानी डालेंगे। और क्रश्ड आइस क्यूब डालेंगे। ये शरबत बिल्कुल वैसा ही है जो हमें भिंडी बाजार में मिलता है, ये सेम वही शरबत है। हम इसे सर्व करेंगे। ये एक ऐसा शरबत है जो अभी आने वाले रमजान में आप ट्राई कर सकते हैं।